अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। वादे कश्मीर की अगर बात करें, फिर से एक मरतबा कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि मौसम सर्दी की शिद्दत ने एक बार फिर से करवट बदल ली। और आज टेम्परेचर के हवाले से अगर देखें -5.2 टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिप हो गया। और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त मौजूद है हार्ट ऑफ द सिटी लाल चौक में, और आप ठीक मेरे आगे देख सकते हैं कि बर्फ के पहाड़ जैसे नजर आ रहे हैं फुटपाथ पे। ये हार्ट ऑफ द सिटी की बात है। आज इतना टाइम हो गया दूसरे स्नोफॉल को भी, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर देखें स्नोफॉल अभी भी फुटपाथ से नहीं हटाया गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा, या अभी जाके ऑन ग्राउंड जीरो पे किस प्रकार की कारकर्दगी देखने को मिली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आपका नाम? जावेद। मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे हो रहे थे कि हम हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है, या हमारी मैन पावर या मशीनरी जो है वो तैयार है, जिसमें जाके डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के पोल साहब ने भी अपने बयान दिए थे या बाकी अदर, क्या लगता है आपको ग्राउंड जीरो पे वैसे इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिली, वैसी कारकर्दगी देखने को मिली? सबसे पहले हंसी आ रही इन बातों पर। सरकार बहुत बड़े वादे करती है, बहुत बड़े ख्वाब दिखा रही है लोगों को। और यहाँ के श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूँ, वो बोल रहे कि स्मार्ट सिटी। अरे यार, स्मार्ट सिटी क्या खाक बन जाएगी? ये तो बर्फ़ गिरी है, थोड़ी सी बर्फ़ गिरी है, आपने तो फुटपाथों से बर्फ़ नहीं हटाई। लोग इतने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को, वो चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। अब देखो सड़कों की हालत, अब देखिए ट्रैफिक जैमिंग, अब देखिए सड़कें 10 फीट से 10 फीट ही चली गई है, रॉन्ग पार्किंग। अब देखिए सरकार कहीं नहीं है, सरकार सिर्फ क्या कर रही है, बिल निकालने में मसरूफ है और अपने घर बनने में मसरूफ है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो वादे किए गए थे या ग्राउंड जीरो पे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये आज नहीं बर्फबारी हुई, यहाँ सदियों से बर्फबारी हो रही है। आज पहली बार हमें एक मेयर साहब कह रहे हैं हमारे पास मशीन नहीं है, तब तो मशीनें थी, इसे भी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। इनको चाहिए वो जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पे आके इस चीज़ को हटाए और लोगों को बोले कि हम है, वरना लोगों को भरोसा इन पे उठ चुका है। मनोज सिन्हा को मैं अपील करता हूँ आपकी चैनल के वसादत से, मनोज सिन्हा साहब इनको थोड़ा सा देखिए, ये पैसे तो लेते तो जाते कहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे और एक हमारे साथ मौजूद है इनसे गुफ्तगू करने के। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? इमरान नायकू। नायकू साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या स्टेट लेवल पे डिविजनल कश्मीर की तरफ से कि हर एक मौसम से निपटने के लिए हम तैयार है, अभी जाके हम हार्ट ऑफ द सिटी में मौजूद है, बर्फ के खंभे जैसे पहाड़ जैसे अभी भी फुटपाथों पर मौजूद है, तो क्या लगता है आपको कि ग्राउंड जीरो पे किस प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन जो है या किस प्रकार का काम देखने को मिला? देखिए, जब 370 को एब्रोगेट किया गया था, उसके बाद ही एक बड़ा नारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नया कश्मीर। और नया कश्मीर क्या है, तो वो तो आप लोगों को इस वक्त विजुअल्स में दिखा रहे हैं नया कश्मीर क्या है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब कश्मीर के जो लोग हैं, जो इनके मसाइल हैं, जो इश्यूज़ है, चाहे हम श्रीनगर सिटी की बात करें या जो फार फ्लंग एरियाज़ है डिस्ट्रिक्ट लेवल के टाउन्स वगैरह है, तो लोगों के मसाइल जो है वो उसको फिल फोर्स सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये बर्फ़ तो पहली बार नहीं हुई, बर्फ़ इससे पहले भी हुआ करती थी, बारिशें इससे पहले भी हुआ करती थी, लेकिन जब दीगर दुनिया के ममालिक में बर्फ़बारी होती है तो आप जानते हैं एज जर्नलिस्ट आपको पता है कि कितना टाइम लगता है बर्फ़ को क्लियर करने में। लेकिन जब हमारी वैली में बर्फ़बारी होती है तो आज से पहले भी होती थी और ख़त्म भी की जाती थी, लेकिन इस बार जो बर्फ़बारी हुई जिसने 25 साल ठंड का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, ये विजुअल्स में देख रहे हैं नाजरीन हमारे भी कि किस तरह की हालत है। और श्रीनगर सिटी में जो सड़कें हैं वो काफ़ी श्रिंक हो चुकी है बिकॉज ऑफ जो रोड में जो बर्फ़ है साइड में जमा हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो दावे हैं वो किसी ना किसी हद तक खोखले नजर आते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इस पर संजीदा होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, खासकर LG इंतजामिया को, ताकि जो लोगों के इश्यूज़ हैं, मसले, आप खुद देखिए फुटपाथ पे कितने लोग हैं और पूरा जो है फुटपाथ जो है जम चुका है और यहाँ पे स्किड हो रहा है, तो यहाँ जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है, और कौन रेस्पॉन्सिबल होगा वो आप भी जानते हैं और वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ मौजूद थे और एक भाई हमारे साथ मौजूद, इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम जानना? बासित। बासित, ग्राउंड जीरो पे जो बातचीत या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वादे किए गए थे,
कि हम हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी मौसम की कोई भी सिचुएशन हो। क्या लगता है आपको कि ग्राउंड जीरो पे इस हालत को देखने के बावजूद क्या लगता है आपको कि क्या वो वादे कहीं से पूरे हुए? देखिए, सबसे पहली बात है, दूसरी और तीसरी तारीख को फिर से प्रेडिक्शन है कि बर्फबारी होगी, और अगर बर्फबारी हुई तो क्या लगता है आपको, ये एक एक दो दो फीट की ऑलरेडी बर्फ फुटपाथ पे जमा हो गई है, इन्हें उठाएगा कौन? फिर इन्हें उठाएगा कैसे कोई? तो क्या लगता है मुझे, तो अपनी जगह यही लगता है कि यहाँ फिर से दोबारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर से हाथ खड़े कर दिए जाएंगे, फिर से यही बोला जाएगा कि मशीनरी की प्रॉब्लम है। हम इस चीज का, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को SOS सिचुएशन का वेट नहीं करना चाहिए, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन फिर बन जाती है। इसमें पहले ही प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई इस साल के आखिर में अगर बर्फ होती है, साल के 6 महीने पहले ही सोचना चाहिए कि क्या कुछ उनको करना है। तो बासित, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी? जी बहुत। मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊं, जब लास्ट बर्फ हुई थी मैंने आई गेस 10-12 दिन तो मेरी गाड़ी पूरी फंसी पड़ी थी। फिर अगर 12 दिन के बाद मेरे पापा और मैं खुद बेलचे से बर्फ नहीं उठाते तो हम तो फंस गए थे, फिर मैं तो ऑफिस नहीं जा पाता था। तो लास्ट में आपकी मैसेज क्या रहेगी कहीं ना कहीं से जो R&B डिपार्टमेंट है या बाकी SMC, जो मेयर हार्ट ऑफ द सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मेरा R&B और मेयर साहब से ये गुजारिश है कि प्लीज आप अपना प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली रखिए, साल के शुरू में ही आप किया कीजिए, क्योंकि यहाँ विंटर्स तो पता ही है हार्श होते ही है, हमेशा हार्श होते है। तो जब तक हम प्रॉपर प्लानिंग ना रखे तब तक मुझे नहीं लगता, मेरा विजन ये है, मेरा विजन ये कहता है कि हमें नहीं लगता अपनी जगह के वो प्रॉपरली स्मूथली SOS सिचुएशंस कवर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे कुछ यहाँ के बासिंदे के या कुछ रेजिडेंट्स कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी के, और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा फिर से एक बार तो भाई पूरा व्यू दिखाया आप। हार्ट ऑफ द सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की बातचीत हो रही है, दावे किए जा रहे हैं हर एक मौसम से निपटने के लिए तैयार है, ग्राउंड जीरो पे मैन पावर को इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन बर्फ को पड़े हुए, सेकंड स्नोफॉल को पड़े हुए अभी तक की अगर देखें ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन भी हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे फुटपाथ से, हार्ट ऑफ द सिटी के फुटपाथ से बर्फ को नहीं हटाया गया। तो इससे क्लियर एक चीज हो जाती है कि जो वादे किए जाते हैं या जो बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो केवल सोशल मीडिया पे नजर आती है, ना कि ग्राउंड जीरो पे उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि अभी जाके फिर से एज पर मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर से एक मरतबा बर्फबारी का जो है अंदेशा आया है, प्रिडिक्शन आई है। तो यहां से एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर चाहिए कि अब कहीं ना कहीं से सबसे पहले इसके बारे में सोचे कि अगर अभी भी फुटपाथ बड़े पड़े हैं बर्फ से, आगे जाके फिर से बर्फबारी की प्रिडिक्शन आई है, तो फिर क्या हालत होगी, क्या आम जिंदगी यहां से चल पाएगी, आम जिंदगी के लिए कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर देखना चाहिए। और लोगों की तरफ से भी मनोज सिन्हा LG गवर्नर जो हमारे हैं उनसे गुजारिश है कि एटलीस्ट अगर बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने के बाद ही बिल्स बनाए जाते हैं रोड्स को क्लियर करने की। और रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें जाके R&B डिपार्टमेंट ने केवल 2 अपने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को जो है ग्राउंड वहां पे जीरो ब्रिज पे सड़क साफ करने के लिए रखा था 2 बेलचों के साथ, और बिल कितने की बनाई जाती है वो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन अब चाहिए उन डिपार्टमेंट्स को, R&B को चाहिए, SMC को चाहिए, जो स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं उन्हें चाहिए कि पहले स्मार्ट सिटी को क्लीन बनाए, पहले स्मार्ट सिटी में लोगों को चलने वाले लोगों के लिए आसानी फराहम करे, तब जाके एट द अदर साइड में आप इसको डेवलप करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही था, जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी किसी नई आगाज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन फिरदौस कश्मीरी को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ जम्मू लद्दाख विजन श्रीनगर।